हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है अत्री ब्लॉग में, और आज हम जा रहे हैं खुंडी माता के लिए। वैसे जो खुंडी माता में यात्रा होती है वो तो 22 को है, पर हम आज ही जा रहे हैं 18 को, क्योंकि मैं जा रहा हूँ लंगर वालों के साथ, जैसे हर साल जाते हैं उनके साथ ही जा रहा हूँ। तो आप इस तरह ब्लॉग में बने रहिए, तो मैं आपको अच्छा अच्छा व्यू देता रहूँगा, और आप देखते रहना वो व्यू कैसा कैसा बनता है हमारा ब्लॉग। और प्लीज़ फुल वीडियो देखना प्लीज़ गाइस। गाइस, तो हम साओ के कुर्ता गांव में पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ से पैदल का सफ़र तय किया जाएगा। इससे पहले हम गाड़ी में आए हैं। तो ये सभी लोग हमारे साथ जा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं, अब कुर्ता से ऊपर पैदल जा रहे हैं हम, और आपको दिखाते रहेंगे कितना अच्छा है व्यू उधर का। ऊपर को देखिए, बस वो ऊपर को जाना है, इससे भी ऊपर को जाना है, पर ये थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर उसके बाद प्लेन रास्ता आएगा, फिर उसके बाद लगेगी चढ़ाई। तो हमारे साथ बने रहिए और फुल ब्लॉग देखना गाइस प्लीज। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी तो मैंने थोड़ी सी चढ़ाई शुरू की है, और अभी से इतना बुरा हाल हो रहा है मेरा। पिछली बार तो अच्छे से पहुंच गए थे, पर इस बार बहुत ही गर्मी लग रही है, और साथ में थकान भी हो रही है। तो गाइस, वो नीचे रह गए कुर्ता, और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और वो जो और साथी हमारे साथ वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा कितना बुरा हाल हो रहा है इस चढ़ाई पे, दिखाए वहाँ से। और अभी तो मेरा समझ लो कि ऐसे अभी तो शुरू किया है, पर फिर भी बहुत चढ़ाई है। प्लीज़ गाइस देखते रहिए फुल ब्लॉग, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नीचे 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद अब हम फिर से चढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, और अब तो थोड़ा आसान ही लग रहा है आगे का रास्ता, पर रास्ता बीच में बड़ा ही गंदा है। ये देखो, रंग जो बन तो गाइस अब हम पाइपलाइन के पास पहुंच चुके हैं, और इतनी बड़ी पाइप है, ऊपर वाली तो छोटी है, पर ये वाली बहुत बड़ी है। तो गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। वहाँ से आए हम नीचे से, और अभी बहुत ऊपर जाना है। यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कुर्ता, हम वहाँ नीचे से आए हैं।
सोचे हुए हैं जाएंगे पूरे तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितने अच्छे बादल है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे सभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। और पापा ठीक ठाक है। तो गाइस देखिए घरमड़ी से कुछ ऐसा नज़ारा है उनका। गाइस तो 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद हम फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं और अब हमारे साथ ही है अब्बू भाई और पीछे एक और भाई है और पीछे अंकल भाई आ रहे हैं हमारे साथ। गाइस देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है और हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं और सामने गांव है, ये मेरे हिसाब से लास्ट ही गांव है, इसके बाद हमें ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा देखने के लिए गांव वगैरह। गाइस देख सकते हैं ये भाई नंगे पांव जा रहे हैं, इन्होंने कुछ मन्नत मांगी होगी, माता रानी इनकी मन्नत पूरी करे। और कितनी ठंडी हवा आ रही है, अब गर्मी थोड़ी कम हो रही है। अब कुछ ऐसे ऐसे रास्तों से जाना पड़ रहा है। गाइस देख सकते हैं कैसे कैसे रास्तों से जाना पड़ रहा है। यहाँ का व्यू देखिए, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं।
रहे हैं। गाइज तो खाना खा लिया है, अब खाना खा लिया तो इसके बाद फिर से यात्रा शुरू करते हैं। गाइज तो ये मेरे को पता नहीं क्या मिला, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। किसी को उसका नाम पता है तो प्लीज जरूर बताएं। गाइस तो यहाँ पे पानी की बहुत कमी है और पानी की कमी पूरी करने के लिए मतलब अपने शरीर में तो हमें ऐसी ऐसी जगह से पानी पीना पड़ता है। ऐसे साफ ही होता है ये पानी, ये नेचुरल पानी है। यहाँ पे नए नए तरह के पेड़, नए नए तरह के जानवर देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे लंगर का सामान आ रहा है, मेरे से तो पैदल भी नहीं चला जा रहा है, पर ये इतना भार आदमी के चले हुए हैं। तो गाइस देखिए ये है जंगली मशरूम, तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं जहाँ से बड़ी ही डेंजरस चढ़ाई शुरू होती है और यहाँ पे हमें लगते हैं कम से कम 3 घंटे कंटिन्यू। काश हम जल्दी ये नाला पार कर जाएं। कुंडी माता की जय। तो गाइस देख सकते हैं ये वो नाला जहाँ से अब हम ऊपर को जाएंगे और यहाँ का व्यू देखिए, बिल्कुल ही चारों तरफ जंगल ही जंगल है। गाइस देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, कितने अच्छे बादल लग रहे हैं। सुबह हम 11 बजे चले थे और अभी पहुंचे हैं हम पूरे 6 बजे। हालत तो बहुत ही बुरी हो चुकी है अपनी। तो गाइस अब हम ग्लोनगढ़ पहुंच चुके हैं और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह है। गाइस तो शायद आज रात का स्टे हमारा यहीं पे होगा, यहीं पे लगाएंगे हम टेंट वगैरह। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हमारा दूसरा दिन है, तो रात को हम यहीं पे नीचे स्टे किया था और अब हम सुबह होते ही ऊपर को जा रहे हैं और हमारे साथ ये ऊपर को जा रहे हैं थोड़े, वो ऊपर पहुंच गए और हम तो अभी सबसे लास्ट में हैं। सुबह का नज़ारा ही कुछ और होता है यहाँ पे, कितना
कितनी ठंडी ठंडी हवा है और साथ में कितने ही सुंदर सुंदर बादल हैं यहाँ पे। और घना जंगल, गाइज आप देख सकते हैं जो ये धुंध है कितनी फास्ट आ रही है। तो गाइज देख सकते हैं कुछ ही पलों में यहाँ पे कितनी धुंध आ चुकी है, ये देखिए पहले तो कितने साफ दिखाई दे रहा था, अब नीचे की ओर देखिए कितनी ज़्यादा धुंध आ चुकी है। तो गाइज अब हम स्पेक्का में पहुँच चुके हैं और यहाँ का व्यू देखिए कितना ही अच्छा है। गाइस तो आप देख सकते हैं आपके भाई ने ड्रोन उड़ाया और ये सभी जो भी है भैंस वगैरह ये ड्रोन की तरफ देख रही हैं, बोलते होगे क्या चीज़ आ गई यहाँ पे।
जा रहा है, रोड बंद है, रोड के आगे मत जाओ, आगे घर चला हुआ है, सोता नाला बंद है। और यहाँ पे लड्डू तैयार हो चुके हैं और ये साथ में लड्डू के साथ कड़ी की तैयारी भी हो रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम पहुंचे हैं सिया जोत के नीचे और हम सुबह निकले थे 4:30 बजे और अभी हो चुके हैं 6 बजने वाले, 10 मिनट रहे और वो दूर पहुंच चुके हैं हम। अभी तो बड़ी दूर जाना है और यहाँ का व्यू देखिए, सूरज वहाँ से निकल रहा है पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस आप सामने देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बकरियां हैं और भेड़े वगैरह, आपको दिखाता हूँ मैं इतनी ज़्यादा। तो गाइस आप सामने देख सकते हैं वो है ग्लेशियर,
तो गाइस देख सकते हैं यहाँ का कितने सुंदर व्यू है, और ये कितने ही अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। और आपको सामने ग्लेशियर दिखाता हूँ और झरना भी साथ में, कितना अच्छा झरना दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये देखिए कितना अच्छा झरना है, और इस तरफ ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर तो वो दिखाई दे रहा है मेरे को नीचे, जहाँ से लोग भी आ रहे हैं। यहाँ से चांजू वाले आते हैं, जो कि चांजू के रास्ते से गए होते हैं वो वाले, हम तो साव रास्ते से ही आते हैं। वैसे लेल वाले रास्ते से भी आते हैं लोग, पर और अब इस पहाड़ के सामने हमें जो मतलब माता की झील है वो दिखाई देगी। और अभी पता नहीं लोग इसको उखाड़ रहे थे और बोल रहे थे यहाँ से धूप वगैरह निकलता है, मीठा धूप इसको निकाल रहे थे, ये जो बड़े बड़े पत्तों वाला है। कितने ही अच्छे अच्छे फूल हैं यहाँ पे गाइस। तो आप सामने देख सकते हैं वो है ढाई पैड़ी, जहाँ से अब हम जाएंगे। और इस बार तो रास्ता भी टूट चुका है, तो ऊपर से होकर जाना पड़ेगा। तो गाइस ये सामने देखिए, ये है भीम जी का पांव, जो कि यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ से उन्होंने ऊपर जाने के लिए ढाई पांव रखे थे। अब पता नहीं ढाई पांव रखे थे कि कितने रखे थे, वो तो उनको ये पता, पर माना जाता है कि उनका पांव है। और यहाँ पे लोगों ने कितने ही फूल वगैरह और धूप वगैरह जलाया हुआ है। और मेरे साथ ये आप पहुँचे हैं जिनके साथ मैं आया हूँ। तो गाइस अब ढाई पैड़ी की चढ़ाई शुरू हो चुकी है, और ऊपर से भी लोग आ रहे हैं। और ये है सबसे मतलब खतरन डेंजरस वाली चढ़ाई, जहाँ से आप देख ही सकते हैं कितनी ही डेंजरस चढ़ाई है, बिल्कुल एकदम से खड़ी है। तो गाइस फाइनली ख़त्म हुई हमारी ये चढ़ाई गाइस। तो देखिए ग्लेशियर, तो गाइस फाइनली हम 22 पहाड़ों का सफर तय करके माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच ही चुके हैं। गाइस तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, कितने ज़्यादा लोग हैं।
बस ही रह रहे हो तुम। थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।